एसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है और यह जो नोटिस है वह झारखंड सामान्य स्नातक की योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर के है, यानी कि यह सचिवालय एग्जाम को लेकर के यह नोटिस है, क्योंकि यह झारखंड का एक मोस्ट वेटेड एग्जामिनेशन है जो कि बहुत दिनों से इसके बारे में चर्चा हो ही रही थी कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। तो ये जो है ये नोटिस आया हुआ है। तो क्या है इस नोटिस में, जो कि सचिवालय एग्जाम जो कि बहुत ही दिनों से इसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या है यह आवश्यक सूचना जो कि आज ही के दिन में आया हुआ है कि 4/9/2024 को है। तो झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग, जिसका आयोजन 21 सितंबर 2024 एवं 22 सितंबर 2024 को निर्धारित है, का प्रवेश पत्र दिनांक 17/9/2024 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है कि 21 सितंबर और 22 सितंबर को इसका एग्जाम होगा, यानी कि सचिवालय का एग्जाम होगा 21 और 22 सितंबर को। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे और अपना जो है तैयारी उसको पूरी तरीके से रखेंगे, ताकि इन दोनों दिनों में एग्जाम निर्धारित किया गया है। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वह 17 सितंबर से डाउनलोड होगा। तो एडमिट कार्ड के लिए जो है वो आप लोग 17 तारीख को अपना डाउनलोड कर लेंगे एडमिट कार्ड। तो यह अपडेट आया हुआ है सचिवालय एग्जाम को लेकर के, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यह जो एग्ज़ाम है वह पहले से ही बताया गया था, इससे पहले जो नोटिस आया था उसमें बताया गया था कि 21 सितंबर और 22 सितंबर को होना है, लेकिन उसी को अब फिक्स कर दिया गया है। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि 17 सितंबर से इसका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और दोस्तों बस इसमें यही है कि एग्ज़ाम जो है वह फेयर तरीके से हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि यह एग्ज़ाम बहुत दिनों से लंबित है और इसके बारे में तरह तरह की सूचनाएं हमें मिलती ही रहती हैं गड़बड़ी की। तो यही अपडेट आया हुआ है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से। सचिवालय एग्ज़ाम को लेकर के जो है आप लोगों की तैयारी वह बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रखें, और जो है 21 और 22 तारीख को जिस नंबर में होगा वो आप लोग ध्यान रखेंगे।